प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ल बाग बारियां पुरानी कपूरथला रोड में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में चल रहे 5 दिवसीय 52वें विराट वृद्धांत सम्मेलन को विश्राम दिया गया। संत सम्मेलन में महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर गिरी महाराज हरिद्वार वाले, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज, आचार्य स्वामी ऋषिराज, महंत आदित्यपुरी, महंत केशव गिरी, महंत माधवानंद, महंत भास्करानंद गिरी, महंत मंगत मूर्ति, महंत कमलेश्वरी ने संगत को प्रवचनों से कृतार्थ किया। इस दौरान पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सभी संत महापुरुषों ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि सत्संग का अर्थ सत्य का संग है। संत और महापुरुष मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, जिसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर गिरी महाराज और आचार्य स्वामी ऋषिराज ने भी भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जानवर और मनुष्य में सिर्फ विवेक अर्थात बुद्धि का अंतर है। मानव योनि में ही मुक्ति को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें सदा प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, तभी मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। इस अवसर पर आज़ादी, कपिल शर्मा, भोला, दीपक, जसविंदर शर्मा, मीना शर्मा, बिल्ला, हीरालाल, रमेश दत्ता प्रभु सहित भक्त जन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के इस पीठ के अध्यक्ष और परमाध्यक्ष हमारे स्वामी जी महाराज हरिद्वार से पधारे हुए कृष्ण निवास से अनंत श्री गुरु से परम पूज्य पूज्य चरण महामंडलेश्वर 1008 स्वामी जी महाराज आपके चरणों में वंदन नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी ऋषिराज जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी आदित्यपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी मंगलमूर्ति जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी भास्करानंद जी महाराज। मैं अपने वालों हर एक संत बंदे चरणों के नमन करता और अज 52वां विराट सम्मेलन जिसकी शुरुआत साढ़े बड़े महाराज जी अज तो 52 साल पहला करके गए सी। सो उस तरीके दे नाल उन्हां दे इस दुनिया तो ब्रह्मलीन होने तो बाद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्वामी जी 1008 देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज उन्हां दी जिहड़ी पाए हुए पूरने उन्हां नूं अगे वधा रहे आ। उन्हां दे दित्तियां हुई सिक्ख्यावां नूं जन जन तक पहुँचाउण दे लई अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो मैं समझदा कि अज दे इस जीवन दे विच जदों असीं सारे लोग चाहे कोई लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, अपने अपना जीवन है जिहड़ा जी रहे हैं, पर मैं समझदा कि साडे जीवन दे विच जिहड़ियां खुशियां खुशहाली जिन्नी देर तक असीं गुरु जनां दे संत जनां दे चरणां दे विच नमन हो के उन्हां दी सिक्ख्यावां ते नहीं चलांगे, साडे जीवन दी जिहड़ी खुशहाली है वह कभी भी असीं जिहड़े है कुछ नहीं रह सकते। हम सब के अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा के ही स्वरूप अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परिराजकाचार्य वेदांतवादी श्री महाराज जी पूज्य बड़े माने जी, हम सब के मध्य में विराजमान इस सत्कर्म की अध्यक्षता कर रहे 52वें विराट वेदांत सम्मेलन को सुचारू रूप से हम सबके मध्य में उसे प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर महाराज श्री जी,
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रे। जब तक भगवान शिव और मां पार्वती को भगवान शिव को श्रद्धा के रूप में, मां पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में और भगवान श्री शंकर जी को आप विश्वास के रूप में अपने अंदर धारण नहीं करते, तब तक आप उस वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आइए कि पहले एक भजन के द्वारा हाजिरी लगाएंगे। ये बावनवा उत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं वेदांत सम्मेलन में। कौन नहीं जानता होगा ब्रह्मलिंग महामंडलेश्वर सद्गुरु स्वामी निरंजनानंद जी महाराज। जब वो गरजते थे वेदांत में, मुझे याद है राजौरी में सुना, कुरुक्षेत्र में सुना, कई जगह उनको सुनने का मौका मिला। आइए, वेदांत का सम्मेलन है तो वेदांत के माध्यम से एक श्लोक की हम व्याख्या करेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस परिपूर्ण परमात्मा को जानना। विभिन्न शास्त्रों में उस परिपूर्ण परमात्मा के विषय में अनेकानेक चिंतन किया गया और अलग अलग मतों में, अलग अलग रूप में उसके स्वरूप का चिंतन किया गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परिपूर्ण परमात्मा एक है। लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी मति के अनुसार उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं और मानव जीवन का ये लक्ष्य है उस पर पिता परमात्मा को जानना। कई बार ऐसे टहलते हुए सरलता से कहीं बीच में संतों में खड़े होते हैं तो ये पता नहीं होगा कि कैसी विभूति, कौन सी विभूति हमारे बीच में सम्मिलित है। ये सरलता देखो, संत कितना भी वैभव प्राप्त हो लेकिन वो स्वभाव का सरल होता है, स्वभाव का धनी होता है। अभी हमारे परम मित्र स्वामी ऋषिराज जी महाराज बोल रहे थे कि गुरु परंपरा से पूज्य महाराज श्री क्या है, ये जो गद्दी परंपरा है, ऐसी ऐसी महान विभूतियों ने उस गद्दी पर विराजमान होकर के हमको आच्छादित किया है, जो परंपरा से जलंधर को धन्य बनाया। श्री चंद्रेश्वर गिरी सिद्ध पीठ संन्यास आश्रम तलाब वाड़िया में बवंजमा विराट वेदांत सम्मेलन परम पूज्य परमादरणीय क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री श्री देवियारा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी निरंजनानंद गिरी महाराज जी द्वारा जो सम्मेलन सब भक्तों के कल्याण के लिए, वही सम्मेलन हमारे परम पूज्य परमादरणीय श्री श्री यज्ञराज महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी रविंद्रानंद गिरी जी महाराज पूज्य गुरुदेव भक्तों के कल्याण के लिए, वही जन कल्याण के लिए आज दूर दूर से हमारे मध्य में संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महापुष्प पधारे हैं।